जय जय फ्रेंड, आज मैं आपको कच्चे केले के समोसे बनाना बताऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। मैंने डो में तीनों प्रकार के आटे लिए हैं। एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी मैदा, एक कटोरी सूजी। अब तीनों आटों को मिक्स कर लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मोमेंट के लिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। मैंने तीनों आटे इसलिए लिए जिससे हमें नुकसान नहीं करें, और सच में ये तीनों आटे मिलाकर आप बनाइए तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसका मोमेंट हम ऐसे अंदाज लगाएंगे कि मुट्ठी बन गई, तो हमारा मोमेंट परफेक्ट है। अब हम इस आटे को थोड़े से गुनगुने पानी से लगाएंगे। ये आटा हमारा लगकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। अब मैंने ये कच्चे केले उबाल कर रख लिए हैं। अब इनको हम छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। अब ये बारीक बारीक काट लेंगे और इनमें एक हरी मिर्च भी बारीक बारीक काट देंगे। अब हमने एक कढ़ाई में तेल गरम होने को रख दिया है। तब तक हम कटे हुए केले में मसाले डाल लेते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच अमचूर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और एक चम्मच पिसी सौंफ। हमारा तेल गरम हो गया, उसमें हम दो लौंग डालेंगे, अच्छी मात्रा में हींग डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, एक से दो लाल मिर्च डालेंगे। अब इनको केलों को हम अच्छे से 5 से 7 मिनट भूनेंगे। अब इसे भूनेंगे और कलची से ऐसे दबा दबा के इसे अच्छे से भूनेंगे। अब हमारी केले की पिट्ठी भुनकर तैयार है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको हम मिक्स करके निकाल लेते हैं और ठंडा होने को रख देंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया है और आटे को एक साथ करके छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। लोई बनाकर अब हम इसे थोड़ा लंबे साइड में बेलेंगे। अब इस लोई के दो हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से को हम उठाकर इस प्रकार ऐसे मिलाएंगे और इसे पानी की सहायता से चिपका देंगे। अब हम इसमें केले की पिट्ठी भरेंगे और मैंने साथ में 2 पीस छोटे टुकड़े पनीर के, 1 काजू का, 2 किशमिश भी भरूंगी, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसको चारों तरफ से हम पानी लगाकर इसे पैक कर देंगे। इस प्रकार हम अपने सारे समोसे तैयार कर लेंगे। मैं आपको आज दूसरे प्रकार से भी समोसे की डिजाइन बताऊंगी। इसको भी हम लंबा बेल लेंगे, लेकिन एकदम पतला बेलेंगे क्योंकि इसमें डबल लेयर आएंगी
तो समोसा मोटा हो जाएगा, इसलिए इसे एकदम पतला बेलेंगे। इसे पतला बेलने के बाद बीच में से कट लगा देंगे और फिर नीचे की साइड में आधा आधा कट करके चीनी लगाते जाएंगे। फिर जहाँ हमने काटा है वहाँ पानी लगाकर इस वाले हिस्से को इसके ऊपर पानी की सहायता से चिपका देंगे। फिर इसको उसी प्रकार जैसे समोसा फोल्ड किया, इसे भी फोल्ड करेंगे पानी की सहायता से। इसमें भी हम वही केले की पिट्ठी भरेंगे, 2 पीस पनीर के डालेंगे, किशमिश और काजू डालेंगे और इसको भी चारों तरफ से पानी की सहायता से बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी इस प्रकार से डिजाइन आ जाएगी। अभी आपको दिख नहीं रही है, तलने के बाद पूरी लेयर दिखेंगी। अब मैंने ये 4 समोसे बना लिए, इन्हें कढ़ाई में डालेंगे और मध्यम मध्यम आंच पर सिकाई करेंगे। एक बार पलट दिए हैं, ऐसे बीच बीच में पलट पलट के मैं मध्य आंच में भूनते जाएंगे। ये समोसे बनकर तैयार हैं। देखो कितने अच्छे पिंक सिके हैं। अब इनको हम हरी चटनी और सौंठ से खाएंगे। ये मेरे समोसे बनकर तैयार है। ये वाला समोसा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र।